हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ टेस्ट नंबर 3 और इसमें आज हमें पढ़ना है मूवमेंट्स इन एनिमल। तो पढ़ना क्या है? एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। देखिए, एबिलिटी अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम मूव कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। और इस एबिलिटी, ये जो एबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। इट हेल्प एनिमल टू सर्च ऑफ फूड। और इसमें एनिमल क्या करते हैं, क्यों मूव करते हैं? फूड के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? अपने दुश्मनों से। अगला है एनिमल दैट मूव ऑन लैंड, यानी कि ऐसे एनिमल जो ज़मीन पे मूव करते हैं वो कौन होते हैं? देखिए, एनिमल्स कैन स्टैंड अपराइट एंड वॉक ऑन देयर हिंड लिम्स, ह्यूमन बोथ हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स, हॉर्स, डियर एंड, देखिए हिंड लिम्स मतलब कि जो पैर है आपके पीछे वाले पैर, और फोर लिम्स आपके आगे वाले पैर को कहते हैं, जो जानवर होते हैं। तो जो भी जानवर आपके, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन हिंड लिम्स होते हैं, वो अपने जो पैर पीछे के पैर होते हैं उनसे चलते हैं, ठीक है। और जो आपके हिंड लिम्स और फोर लिम्स दोनों से चलते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, चार पैर वाले जानवर हो गए, ये सब, जैसे कि हॉर्स हो गया, लेपर्ड हो गए, ये सब जमीन पे चलने वाले हैं। उसके बाद जो हॉप होता है, हॉप का मतलब होता है कूदना, जैसे कि कंगारू हो गया, रैबिट हो गया, तो ये लोग अपने क्या करते हैं, जो पीछे वाले पैर होते हैं उन पर कूदते हैं ये, ठीक है। हॉप का मतलब होता है कूद कूद के चलना। तो यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे क्रॉल का मतलब होता है कि जो रेंग के चलते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, लिजर्ड हो गया, और यहाँ पे स्लीथर यानी कि स्नेक हो गया। तो ये सब क्या है, ज़मीन पे चलने वाले हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है आगे, देखिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए हॉपिंग में क्या होता है, जो कूद कूद के चलते हैं, जिसमें रैबिट आता है, कंगारू आता है, ये हॉपिंग करके चलते हैं। उसके बाद है स्लीथरिंग। स्लीथरिंग का मतलब होता है जैसे इस तरीके से एस आकार के शेप बना के चलना। फिर है क्रॉलिंग यानी कि रेंग के चलना, तो उसमें आता है लिजर्ड। अगला है आपके सामने एनिमल दैट स्विम। तो स्विम काउंट करते हैं यानी कि जो तैरते हैं। एनिमल लिविंग ऑन वाटर स्विम विथ द हेल्प इन देयर फिन्स। तो देखिए, जो एनिमल होते हैं पानी में तैरते हैं, वो उनकी जो फिन्स होती हैं, यानी कि ये जो फिन्स होती हैं, ठीक है, ये सब, ये हेल्प करते हैं इनको क्या करने के लिए, आपकी तैरने के लिए। वेब्ड फिट होते हैं, जैसे कि डक हो गया, स्वैन हो गया। फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स का मतलब आपके जैसे ये टर्टल होता है, टर्टल के जो पैर होते हैं फ्लिपर्स टाइप के होते हैं, ये तैरने में इनको हेल्प करते हैं। अब देखिए, इनमें जो पेयर्ड होते हैं, पेयर का मतलब एक जोड़ा, तो ये दोनों जोड़े होते हैं, लेकिन जो आगे का यहाँ पे फिन्स लगे होते हैं ये आपके अनपेयर्ड होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते। अब आगे आते हैं, जो डक का पैर होता है ये देखिए वेब्ड फिट होता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, एनिमल दैट कैन फ्लाई, तो उड़ने वाले जानवर। तो एरियल एनिमल यानी कि हवा में रहने वाले जानवर जो जो अपने विंग से फ्लाई करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, ईगल हो गया, पिजन हो गया, स्पैरो हो गया। विंग्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड फोर लिम्स, तो हमारे जो आगे के पैर होते हैं ना वो मॉडिफाइड हो गए, किस में हो, चेंज हो गए हैं, तो वो चेंज हो गए हैं आपके किस में, पंखों में चेंज हो गए हैं, विंग्स में चेंज हो गए हैं। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग मसल्स, और बर्ड्स की जो फ्लाइंग मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और विंग्स हेल्प करते हैं उनको उड़ने में। बैट्स ऑल्सो प्रोसेस विंग फॉर फ्लाइंग, तो जो बैट्स होते हैं यानी कि जो चमगादड़ होते हैं, ये भी आपके क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं विंग से। बैट विंग्स और मॉडिफाइड टेट्रा पॉट फोर लिम्स, तो इनके टेट्रा का मतलब होता है चार पॉट्स होते हैं, ठीक है। टेट्रा का मतलब ही क्या होता है, फोर, तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं उनमें टेट्रा पॉट होता है, ये मॉडिफाइड होता है इनके विंग्स। इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, हनी भी हो गया, हैव फोर विंग्स, और इनके फोर विंग्स होते हैं और हिंड विंग्स होते हैं। मेड अप स्केल्स ऑन द बॉडी, स्केल्स दैट हेल्प देम, तो स्केल्स के बन, स्केल्स बने होते हैं और इनको हवा में उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इनकी फोर विंग्स हैं, ये फोर विंग्स, और इन्हें हम कहते हैं क्या, हिंड विंग कहते हैं, यानी कि जो पीछे वाले पंख होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैराकीट होता है, ये फ्लाई करता है, ये आपका तोते के जैसा दिखता है पैराकीट। अब ओलंपियाड बैट में आते हैं, इंसेक्ट पिंग लैग बोन्स, देखिए एडोप्टेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट, सॉरी, इंसेक्ट विंग्स लैक ऑफ बोन, तो जो इंसेक्ट की विंग होती है उनमें बोन्स नहीं होते, एंड बर्ड्स विंग हैव देम, और बर्ड्स की जो विंग्स होते हैं उसमें क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं। इंसेक्ट विंग आर कवर्ड विथ स्केल्स, तो इंसेक्ट की जो विंग होती हैं उस पर स्केल्स होते हैं। बैट विंग्स विथ बेयर स्किन, और बैट की स्किन बेयर स्किन की होती है, विथ विंग्स विथ फीदर्स, और पंखों के साथ होते हैं। अब आते हैं एडोप्टेशन एनिमल, एडोप्टेशन कैसा होता है, रहने, एडजस्टमेंट। एडोप्टेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द एनवायरमेंट। देखिए एडोप्टेशन ये होता है कि इन्वायरमेंट आप किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से आप जी रहे हैं, अपने जो इम्प्रूव होता है, मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करना, इन्वायरमेंट के हिसाब से रहना, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके होते हैं एडोप्टेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मूव करना।
तो माइग्रेशन रिफर द लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स एस्केप द अनफेवरेबल कंडीशन। तो मतलब कि जैसे कंडीशन वहाँ पे ख़राब हो रही है तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे जगहों पे चले जाते हैं रहने के लिए। फिर जब चीज़ें सही होती है फिर ये वापस आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एक बर्ड है, इसका नाम है आर्कटिक टर्न ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन। तो ये आर्कटिक रीजन से कहाँ जाता है, आर्कटिक रीजन में जाता है, हर साल जाता है ये बर्ड है। और ये लगभग कितना एवरेज राउंड ट्रिप करता है, तो लगभग 71,000 किलोमीटर ये जाता है आता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ एनी एनिमल इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन की दुनिया में कोई करता है तो वे ये बर्ड है, और उसका नाम क्या है, आर्कटिक टर्न। फिर है आगे हम्प बैक वेल। तो जो हम्प बैक वेल होती है ये अंटार्कटिका से क्या करती है, ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड इन कोस्टल वाटर ऑस्ट्रेलिया बाई कवरिंग 5,000 डिस्टेंस। और ये क्या करती है, 5,000 डिस्टेंस का ट्रेवल करती है, और ये कहाँ से, अंटार्कटिका से कहाँ पर जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी हम्प बैक वेल। अब यहाँ पे आते हैं, अब आगे आते हैं, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, लोकस्ट। लोकस्ट जो होता है आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी इंसेक्ट। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी आपका ट्रेवल करते हैं 5 से लेकर 130 किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर सकते हैं एक दिन में। तो ये है लोकस्ट आपका, और ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जो जैसे कि आप जो धान हो गया, गेहूँ हो गया, इनकी फसलों को बर्बाद करते हैं। अगला है मोनार्च। तो मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है ये माइग्रेट करती है कहाँ से, कनाडा से करती है मैक्सिको। व्हेन दे क्लस्टर टुगेदर फ्रॉम लेट अक्टूबर, तो ये कब करती हैं, अक्टूबर लेट में, ठीक है, थ्रू मार्च। एट लीस्ट 5 जनरेशन टेक पार्ट कम्प्लीट द एनुअल माइग्रेशन साइकिल। और इनकी जो 5 जनरेशन होती हैं ये पार्ट करती हैं एनुअल माइग्रेटरी साइकिल को। अगला है आपका सैल्मन फिश। तो सैल्मन फिश जो होती है माइग्रेट करती है सी वाटर, फ्रेश वाटर टू ब्रीड। तो देखिए ये समुद्र के पानी से कहाँ पे जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है, क्या करने के लिए, ब्रीड करने के लिए, यानी कि बच्चों को पैदा करने के लिए, यानी कि अंडे देने के लिए। आफ्टर ब्रीडिंग दे डाई, और जब ये ब्रीड कर लेती है तो ये क्या हो जाती है, मछली मर जाती है। यंग सैल्मन हैच आउट फ्रॉम एग, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंडों से बाहर निकलते हैं, और ये माइग्रेट करते हैं किधर, सी की तरफ। यानी कि देखिए सैल्मन फिश कहाँ गई, सी वाटर से कहाँ गई, ये आपकी गई पानी में, यानी कि नदी के पानी में गई जहाँ का पानी खारा नहीं होता है। और यहाँ पे जब इसने अंडे दिए तो ये मर गई। अब जब मर गई तो यहाँ पे जो अंडे हैं, अंडे से नए बच्चे जो पैदा होते हैं, तो ये कहाँ पे पैदा हुए, फ्रेश वाटर में। अब ये फिर यहाँ से कहाँ माइग्रेट करेंगे, सी में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इनकी वाटर साइकिल। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर ईल के बारे में पढ़ेंगे। ईल माइग्रेट द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द सैल्मन। और सैल्मन जो होता है, सैल्मन कहाँ से जा रहा था, ये सी वाटर से कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर में। और ईल जो होता है ये क्या करता है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं रिवर के, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं ब्रीड करने के लिए कहाँ पे, सी में। यानी कि अंडे देने के लिए कहाँ पे जाएगी, ब्रीड करने के लिए कहाँ पे जाएगी, ये फ्रेश वाटर से कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी। कौन, ईल। दे हैच इन सी एंड माइग्रेट बैक टू फ्रेश वाटर। देखिए ईल जाती तो है सी वाटर में, लेकिन ये मरती नहीं है ब्रीड करने के बाद, ये फिर से कहाँ से वापस आ जाती है, फ्रेश वाटर में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कॉमी फ्लॉग। कॉमी फ्लॉग देखिए क्या होता है, देखिए आपने गिरगिट देखा हो ना, गिरगिट क्या करता है, अपने रंग बदल लेता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका कलर चेंज होता है, उसी को बोलते हैं कॉमी फ्लॉग, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड टू ब्लेंड इट्स सराउंडिंग टू गेट्स अननोटिस्ड फ्रॉम द प्रे प्रेडेटर्स एंड कॉल कॉमी फ्लॉग। देखिए होता क्या है कि जैसे कि कोई जानवर है वो अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है, मिट्टी कलर कर लेता है, तो जो इसके दुश्मन है, जो इसके इनमें है, जो प्रेडेटर है, जो इनको खाने वाले हैं, उनसे ही क्या करता है कि ये देख नहीं पाते इनको, और जब देख नहीं पाते तो ये बच जाते हैं। तो इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कॉमी फ्लॉग कहते हैं, कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाना। अब यहाँ पे आते हैं कैमलियन चेंज कलर टू ब्लेंड विथ सराउंडिंग। कैमलियन मतलब कि जो गिरगिट होता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग के हिसाब से। पोलर बियर हैज़ वाइट फर सो इट ईजिली ब्लेंड विथ वाइट स्नोई बैकग्राउंड। देखिए अब जो भालू होता है, पोलर बियर होता है, उसका जो बाल होता है वो वाइट कलर का, तो वाइट कलर का आपका स्नो भी होता है, तो इससे क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड और वो सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, तो उसको कोई जान ही नहीं पाता कि यहाँ पे कोई भालू है, ठीक है। फिर स्टोन फिश इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ एनिमल शोइंग कॉमी फ्लॉग। तो जो स्टोन फिश होती है ये पत्थर के जैसे दिखती है, तो ये भी कॉमी फ्लॉग शो करती है। अब यहाँ पे आते हैं मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री द फेनोमेना वेदर इन ऑर्गेनिज्म रिसेंबल अनदर ऑर्गेनिज्म और सम इनी इमिटेट ऑब्जेक्ट टू सच दैट एक्सटेंड देयर लुक अलाइक। तो देखिए मिमिक्री में क्या होता है, जैसे हम किसी की नकल उतारते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जानवरों की नकल उतारते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे, और इससे क्या होता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अपने प्रीडेटर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिसकी वायसराय बटरफ्लाई है, ये मिमिक करती है मोनार्च बटरफ्लाई से प्रोटेक्ट होने के लिए, ठीक है, प्रीडेटर से।
लीफ इंसेक्ट जो होता है, जो लीफ इंट है यानी कि जो पत्ती के जैसा है वो दिखता है वो कीड़ा, तो ये भी क्या करता है अननोटिस्ड करता है, मतलब कि ऐसा बन जाता है, ऐसा दिखता है वो, कि इसे क्या होता है कि ये बच जाते हैं अपने प्रेडेटर से। अब देखिए यहाँ पे हम सेल्फ टेस्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आई एम बर्ड बट आई कैन नॉट फ्लाई, मैं बर्ड हूँ लेकिन फ्लाई नहीं कर सकती, मैं बहुत फास्ट दौड़ती हूँ और मेरे दो लंबे लंबे पैर हैं, मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ आपकी कौन, मैं हूँ आपका ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आपका कहाँ मिलता है? सहारा डेजर्ट में, ठीक है। और इसका अंडा इतना बड़ा होता है जिसमें 12 लोग आराम से ऑमलेट खा सकते हैं, ठीक है। लोकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी, तो लोकस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करते हैं, तो ये हैं आपके क्या इंसेक्ट में भी ये भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाए डी, ठीक है। थर्ड नंबर, और ये 5 से लेकर 130 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर सकते हैं एक दिन में। मैच द फॉलोइंग, तो फिश को हम किससे मैच करेंगे? देखिए फिश के पास क्या होता है, फिंस होते हैं, तो पहला 4 नंबर हो जाएगा। फ्रॉग के पास क्या होते हैं, फ्रॉग के पास क्या होता है, वेब्ड फीट होता है। थर्ड नंबर टर्टल के पास क्या होते हैं, पैडल लिम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर जो है ना 3 का भी बनेगा, पी का 4, क्यू का 3, आर का 2, पैडल लाइक। और ऑक्टोपस के पास आर्म्स होते हैं, हो जाएगा फर्स्ट नंबर। और ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है ना दोस्तों वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर पे, क्रेन्स माइग्रेट इंडिया एवरी विंटर, तो जो क्रेन होते हैं, क्रेन एक तरीके का पक्षी होता है, तो ये कहाँ पे माइग्रेट करता है? तो ये आपका दोस्तों करता है साइबेरिया, और साइबेरिया आपका कहाँ पे है? रशिया में है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ साइबेरियन क्रेन्स टू ब्रीड इन वेस्टर्न साइबेरिया, दिस क्रेन स्पेंड विंटर इन इंडिया, तो विंटर जब आता है तो ये यहाँ पर रहते हैं, गर्मी में वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद द मूवमेंट स्लो बाय द एनिमल पिक्चर, तो देखिए ये सांप है, सांप के जो मूवमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्लिथरिंग, क्या बोलते हैं? स्लिथरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लिथरिंग। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।